अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बेस्ट कुकिंग विद अंजू। आज हम पर्पल कैबेज लाए हैं। इसे किस तरह से कट करेंगे, स्टोर करेंगे, आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है इसका। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा पत्ती को हटा देंगे, अच्छी तरह से पहले वॉश करेंगे इसे। माशाल्लाह कितना प्यारा रंग है इसका। अब इसे कट करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर है। लाइट ग्रीन कैबेजेस आमतौर पर हमें पता है, स्टोर करके ये चाइनीज़ डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। रोल में तो बड़े ही मज़े के लगेंगे, कलरफुल कलरफुल। चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, अब इस तरह का ग्रेटर लूँगी और इसे ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से फाइन चॉप भी कर सकते हैं, ये मुझे इजी मेथड लगता है, तो इसे ही करूँगी मैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सारे कैबेज को मैंने ग्रेट कर लिया है। दूर से दिखने में तो प्याज की तरह ही लग रहे हैं। अब मैं इसे स्टोर करूँगी इस तरह के बॉक्स, प्लास्टिक के या फिर इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में। एक बॉक्स को फ्रिज में और एक बॉक्स को फ्रीज़र में रखूंगी मैं। इस तरीके से बाकी का भी स्टोर करेंगे। मेरे अगली रेसिपीज़ में इसके यूजेस मैं आपको बताऊंगी, किन किन चीज़ों में मैं इसे ऐड करूंगी। अब इन पत्तों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, इसके मैं स्नैक्स बनाऊंगी आपके साथ, इंशाल्लाह रेसिपीज शेयर करूंगी। इसमें फिलिंग बनाएंगे वेजिटेबल या फिर चिकन की, कुछ भी, और स्टीम करेंगे इन पत्तों को। किस तरह से रेसिपी बनती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।